वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डाई हार्ड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 एक्शन मूवीज सो फार। स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है पीटर बर्ग ने। इसकी स्टार कास्ट में है मार्क वेलबर्ग और विंस्टन ड्यूक। असल्टिक के चक्कर में अपने ऑफिसर स्पेंसर को जेल हो जाती है और कहानी उसके आसपास चलती है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द हंट। द हंट एक अमेरिकन सैटायरिकल एक्शन हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है क्रेग ज़ोबिल। इस फिल्म की स्टार कास्ट है पैटी गिलपिन, हिलेरी स्वैंक, एमा रॉबर्ट्स एंड मेनी मोर। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है एक एलाइड ग्रुप को जो किडनैप करते हैं वर्किंग क्लास के पीपल को हंट करने के लिए। द हंट वॉज रिलीज इन थिएटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मार्च 2020 बाय यूनिवर्सल पिक्चर्स। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स। You have no idea what you're up against. हमारी नेक्स्ट फिल्म है द आउटपोस्ट। द आउटपोस्ट एक अमेरिकन वॉर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है रोड लूरी। ये फिल्म बेस्ड है 2020 की नॉन फिक्शन बुक द आउटपोस्ट के ऊपर। ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी जुलाई 2020 में। द फिल्म रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम द क्रिटिक्स विद प्रेज फॉर बैटल सीक्वेंसेस एंड रिस्पेक्टफुल डिपिक्शन ऑफ द सोल्जर्स। हमारी नेक्स्ट फिल्म है ग्रेहाउंड। ग्रेहाउंड एक 2020 अमेरिकन वॉर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है आरोन स्कैनीडर। इस फिल्म की स्टार कास्ट है टॉम हैंक्स एंड ये फिल्म बेस्ड है 1955 नोवेल द गुड शेफर्ड के ऊपर जो लिखी है सीएस फॉरेस्टर ने। ये फिल्म फॉलो करती है यूएस नेवी कमांडर के फर्स्ट असाइनमेंट को जो की एक मल्टीनेशनल एस्कॉर्ट डिस्ट्रॉयर ग्रुप है जिनको शिप को डिफेंड करना होता है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अटलांटिक। ग्रेहाउंड वॉज रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जून 2020 बाय सोनी पिक्चर्स एंड इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स विद प्रेज फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ 90 मिनट्स रन टाइम। टेनेट एक साइंस फ्रिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। टेनेट का प्लॉट फॉलो करता है एक सीक्रेट एजेंट को जो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना चाहता है। तुम्हें प्लेन क्रैश करवानी है? हाँ, पर हवा में नहीं, इतने ड्रामा की जरूरत नहीं। हमारी नेक्स्ट फिल्म है द ओल्ड गार्ड। हर जिंदा चीज कभी ना कभी खत्म हो जाती है, एक दिन हमारे घाव भरने बस बंद हो जाते हैं। द ओल्ड गार्ड एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। हमारे हीरोज बदला लेने के मिशन पर निकलते हैं। मूवी बहुत ही प्यारी है तो मैं तुम्हें स्पॉइलर देना नहीं चाहता। बात की जाए एक्शन सीन्स की तो वो एकदम परफेक्ट है। स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ओवरऑल बेहतरीन मूवी है। अब तुम हम में से एक हो, हम लोग वैसे ही जाएंगे जैसे हमेशा जाते हैं, एक साथ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है, असल में बहुत दर्द हो रहा है। नंबर 4 पे है हमारी सोनिक द हेजहॉग। थोड़ी कसरत, थोड़ी पेट पूजा और खेल शुरू। सोनिक, मैं जानता हूँ तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो। गाड़ी मैं चला लूँ। तुम गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। सोनिक द हेजहॉग एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है और ये वीडियो गेम सीरीज पर बेस्ड है। इस फिल्म में सोनिक नाम का कैरेक्टर है जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल हमारे बीड़े के स्कूटर की तरह। एक सनकी साइंटिस्ट को बहुत सारी पावर चाहिए होती है अपना कुछ अंतर मंतर बनाने के लिए। फिर हमारा सोनिक टीम अप करता है तुम्हारे भैया और भाभी के साथ। फिर वो सनकी साइंटिस्ट को रोकते हैं और खुद को बचाते हैं। CGI और VFX कमाल के हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और एस करा सकते हैं। जैसे को तैसा। तुम मेरी शक्ति कभी नहीं छीन पाओगे। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए होगी? नंबर 3 पे है बर्ड्स ऑफ प्रे। कोई कंप्लेन? हाँ बिल्कुल सही समझे, एक भयंकर हमले की रिपोर्ट करनी है। और कहाँ हुआ है ये भयंकर हमला? यहाँ पर। बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। ब्रेकअप के बाद जो लड़कियाँ करती है वही हार्ले क्वीन करती है। क्या मतलब लोगों का काटना? अरे नहीं,
जैसे कि रोना धोना, एक्स के साथ बदला और बहुत कुछ। बात करते हैं मार्गो रॉबी की परफॉर्मेंस की, तो भैया मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे प्रिंस के साथ रहकर लड़की थोड़ी बिगड़ चुकी है। ओवरऑल एक दिल टूटी हुई लड़की की कहानी है, देखना चाहो तो देख सकते हो। ये बाथटब में हाइना है, इसका नाम ब्रूस है उस हैंडसम वेन के नाम पर। तू पागल हो गया क्या? अबे छोटा सा डेंट है, तू ठीक करवा लेना। नहीं, तू ही इसको अब ठीक कराएगा। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक अमेरिकन बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट की है आदिल और बिलाल ने। ये मूवी एक सीक्वल है बैड बॉयज 2 का और थर्ड इंस्टॉलमेंट है बैड बॉयज फ्रेंचाइज का। इसकी स्टार कास्ट में है विल स्मिथ एंड मार्टिन लॉरेंस। बैड बॉयज फॉर लाइफ एक कम्प्लीट एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो की आजकल देखने को भी नहीं मिलती। शांति से काम लेना, ठीक है? शांति से, ठीक है। मैं इसके दिल में उतरकर इसका आत्म परिवर्तन करूंगा। क्या? तू तो उसके दिल में उतरते ही गिर गया। बहुत हो चुका है भाई, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। बुढ़ाओ फिर से शुरू हो गया। हमारी नंबर 1 पे है एक्सट्रैक्शन 2। एक्सट्रैक्शन 2 एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है सैम हारग्रीव और राइटर है जो रूसो। फिल्म के स्टार कास्ट है क्रिस हेम्सवर्थ। हमारे थॉर भैया ने क्या काम किया है इस फिल्म में। राइटिंग, स्टोरी लाइन, एक्शन, VFX सब कुछ परफेक्ट है इसका। तो चलो ढूंढते हैं। Thanks for watching and tell me which is your favorite movie. And I know that you have many suggestions, so tell me in the comment section.